दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बचे हुए टुकड़ों में से कप्तान टॉप कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और बचे हुए टुकड़े रहते हैं जैसे आपके पास, उसमें से बच्चों के लिए अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा है, ये मैंने लेस ली है, ये इलास्टिक ली है और इससे बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाऊंगी। चलिए अभी आपको कटिंग बताती हूँ इसकी। तो ये सब साइड में रख देते हैं, देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके का कपड़ा है, बचा हुआ टुकड़ा है। तो हम पहले यहाँ से इसको एक बराबर कर लेते हैं। तो देखिए जो कपड़े की लंबाई हमारी ये 23 इंच है और यहाँ पे इसका जो चेस्ट के साथ ये एक्चुअली लूज रहता है और ये आप देखेंगे तो 32 साइज तक के का आ सकता है। तो अभी लंबाई में सेम रख रही हूँ और जो चेस्ट है वो भी 32 का ही रख रही हूँ। तो अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसकी लंबाई जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये टॉप जो है 12 से 14 साल तक के बच्चे को आराम से आप पहना सकते हैं। तो देखिए इसमें हमको नेक लेना है, तो नेक थोड़ा सा हमारा ब्रॉड में ही रहता है तो 3 इंच लिया है और ये ज़्यादा डीप नहीं रहता है। तो देखिए टोटल मैं इसको 5 इंच ले रही हूँ, ये मैंने आगे के हिस्से का लिया है। और मैं यहाँ से देखिए इसको पहले यहाँ पर करती हूँ, थोड़ा सा इसमें वी कट दूँगी। तो ये इसमें 1 इंच का हम इसमें वी कट दे देंगे इस तरह से और उसके बाद इसकी गुलाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा। अभी क्या है ये 2 पीस हैं तो पहले हम इसको एक एक पीस कर लेते हैं, नहीं तो दोनों साइड का कट हो जाएगा। और एक पीस को हम निकाल देते हैं इसमें पीछे वाले को। होती है ये खाली, इसमें नेक ही कट होता है तो ये मैंने आगे का नेक कट कर दिया है, पीछे का कर देते हैं, पीछे का हाई नेक ही रहता है। आप इसी ड्राफ्ट को रख लें और यहाँ से इसमें और इसको 3 इंच तक निकाल सकते हैं। इसको भी ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अभी देखिए आपको क्या करना है, जो ये ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे जो हमारा साइड का बचा हुआ कपड़ा था उसमें से। और इसमें हमको मुड्डे वगैरह कुछ भी कट नहीं करना है। देखिए इसी ड्राफ्ट को इस तरह से रख लेंगे हम। चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे। तो देखिए अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। जैसे ये पट्टी कट कर लिया, ये कैनवास है, इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। और देखिए हमने जो ज़्यादा लिया है इसको यहाँ पर इस तरह से जो शेप है यहाँ पर ऐसे कट दे दें जैसे कि ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हम आगे पीछे दोनों नेक के तैयार कर लेंगे। देखिए 2 डोरी कट की है ये मैंने, 14 इंच के आसपास इसकी लंबाई ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी मैं डोरी बनाऊँगी और फिर बताऊँगी आपको कैसे तैयार करें। तो देखिए जो कैनवास और नेक पट्टी हमने कट की थी और इस तरह से मैंने बताया था वैसे मैंने स्टिच कर लिया है फ्रंट का और बैक का दोनों पीस। और देखिए ये जो डोरी के लिए कट किया था ये डोरी बना ली है। अभी आपको बताती हूँ नेक को कैसे तैयार करें। तो ये हमारा आगे का पार्ट है तो इसको तैयार करते हैं, पीछे को रखते हैं। तो देखिए डोरी हम साथ में ही यहाँ पर अटैच करते जाएंगे जब नेक की फिनिशिंग देंगे तभी। तो देखिए पहले इस तरह से पॉइंट देख लें और यहाँ से स्टार्ट कर दें ऊपर से। तो देखिए ये पीस हमारा तैयार हो चुका है, अभी पीछे का नेक तैयार कर लेते हैं सेम इसी तरह जैसे हमने फ्रंट किया है।
हम आगे का जो पीस है उसको ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर लें और इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और ये शोल्डर पर हम स्टिचिंग कर देंगे। देखिए दोनों साइड के शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिए। अभी हम क्या करते हैं इसको इस तरह से देखिए खोलेंगे और यहाँ पे किनारे पे सिलाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलाई हमारी इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। और अभी हम किनारे पे सिलाई डाल देते हैं बैक साइड में। तो देखिए मैंने नेक की फिनिशिंग दे दी है, ये इस तरह से आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे इस पार्ट के चारों तरफ से पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो कहीं से भी एक साइड से आप स्टार्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करते हुए आगे पीछे पूरे में एक साथ ही हो जाएगा। तरफ से दोनों साइडों में पूरा स्टिच डाल दिया। और देखिए अभी हम इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। तो ये मैंने पीस ले लिया, तो आपको बता देती हूँ मैंने कितना लंबाई ली है इसकी। देखिए ये मैंने 9.5 इंच लिए है और इस तरह से दो पीस ले लिए हैं, एक आगे एक पीछे, ये दोनों पीस हैं। तो अभी हम यहाँ से शोल्डर से मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा कमर का मेजरमेंट रहता है। तो जो मेजरमेंट करना है वो आपको उल्टी साइड में करना है, कि जो हमारी इलास्टिक आएगी ये उल्टी साइड में आएगी। तो देखिए शोल्डर से ये हम यहाँ पर 12.5 इंच ले रहे हैं और 12.5 इंच से ही निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पीस में भी लगा लेंगे। और देखिए इसे इलास्टिक को यहाँ से लेके हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने स्टिच कर लिया और पीछे से मैं भी कर लिया। अभी हम इसको सीधा कर देते हैं। देखिए सीधे में इस तरह से दिखेगा। और अभी हम क्या करते हैं, जो हमने ये लेस ली थी इस लेस को लगाएंगे। तो एक इसको भी एक कोने से लगाएंगे और पूरा एक साइड में पूरे जैसे हमने स्टिच किया था सेम उसी तरह से इसको भी स्टिच कर देंगे। पूरे में लेस लगा लिए, इस साइड में देखेंगे तो नीचे देखिए और इस साइड में भी। अभी हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हैं, तो उसका मार्किंग करते हैं। देखिए शोल्डर से बराबर से कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन दें। तो देखिए 7 इंच छोड़ दें शोल्डर से, 7 इंच से लेके और नीचे भी हम छोड़ देंगे। तो हम खाली 10 इंच तक सिलाई डालेंगे, 7 से लेके 10 तक। इसी तरह से इस तरह यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं। बराबर से रख लें और यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ दें, बस 1/2 इंच छोड़ के स्टिचिंग डाल देंगे। तरफ से इस तरह से लेस लगा दिए, देखिए इस पार्ट में पूरे में और इधर भी। और जैसे मैंने बताया था यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 10 इंच तक सिलाई की है, 7 इंच इस तरह से ओपन रख दिया। तो देखिए इस तरह से आप बच्चे को पहनाएंगे तो इस तरह से आएगा यहाँ पर। और दोनों साइड में हमने इसी तरह से सिलाई दी है, यहाँ पर इलास्टिक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। और देखिए ये मैंने कपड़े के टसन लगा लिए हैं, जो हमने लेस लगाई है वही क्लॉथ लिया है। आप कोई भी मैचिंग क्लॉथ ले सकते हैं। तो आप देख दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगी बहुत ही सुंदर टॉप कैसे बनाए, वो भी बचे हुए टुकड़ों में से। तो देखिए ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा है, देखिए इस तरीके का है। और ये मैंने लाइनिंग के लिए लिया है और इसी का मैं फ्रिल डालूँगी। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे कट करें। तो हम इसी पर कट कर लेते हैं और इसी का ड्राफ्ट रख के लाइनिंग कट कर लेंगे और फिर फ्रिल कैसे कट करना है वो बताऊँगी। तो देखिए हमारा कपड़ा इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अभी आपको इसकी लंबाई देखिए, थोड़ा आगे पीछे इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो हम जहाँ पे हमारा छोटा है वहाँ से देखिए 19 इंच आ रहा है और मुझे ये लंबाई 20 इंच चाहिए।
तो इसमें हमारी फ्रिल भी आएगी तो हमारी लंबाई बराबर हो जाएगी। अगर आपकी लंबाई कम रहती है तो आप फ्रिल थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं, अगर लंबाई कम है तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको अभी फोर फोल्डिंग कर लेती हूँ आगे पीछे दोनों साइड के कट करने के लिए। और इस पार्ट को कट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। तो देखिए अभी आपको साइज़ बताती हूँ इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा नेक थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ पर डोरी भी आएगी तो उसके हिसाब से आपको लेना है। तो मैं यहाँ से देखिए ये 3 इंच ले रही हूँ, और जो इसके मुड्ढे लूँगी वो मैं इसके 3.5 इंच ले रही हूँ। और देखिए ये जो साइज़ है ये हमारा 32 साइज़ करेक्ट है, और इसमें हम 2 इंच मार्जिन रख लेंगे तो आपको 10 इंच लेना है। तो देखिए हमने 10 इंच ले लिया है और तैयार में हमारा ये इतना आएगा और ये 2 इंच हमारा मार्जिन है। अभी आप कमर का मेजरमेंट ले लें, इसमें ज़्यादा फिटिंग नहीं आती है तो हमारा कमर का लेना है 12 इंच, और हमारा इसमें भी माइनस हो जाएगा 2 इंच तो आपको ये 10 इंच ही लेना है क्योंकि 2 इंच का ऊपर पट्टी भी आएगा। और यहाँ से फिर हम अपना इसमें ज़्यादा नीचे लूज नहीं रखना है, ये एकदम क्लोज ही रहेगा। तो नीचे का भी हमारा यहाँ पे साइज का ले लेते हैं, हमने ले लिया ये 9 इंच क्योंकि नीचे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, और इन पॉइंटों को इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए जो भी आपका ये सिलाई में चला जाएगा, यहाँ से ज़्यादा कट नहीं करना है। अभी हम यहाँ पर गुलाई देते हैं 1.5 इंच की। तो देखिए इस तरह से आएगा, और सेम ड्रॉ पे हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसी ड्राफ्ट को रख के मैं लाइनिंग कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सेम ड्राफ्ट रख के ये लाइनिंग भी कट कर लिया है। अभी इसको और इससे मैंने थोड़ा लंबा 1 इंच कम रखी है लाइनिंग की, क्योंकि लाइनिंग इसको एक साथ यहाँ से स्टिच नहीं करते, सेपरेट रहते हैं। और अभी हम इसको साइड में रखते हैं और जो नीचे फ्रिल लगाने वाले हैं उसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए ये मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है फ्रिल के लिए, और इसकी हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो इसको हम 4.5 इंच का फ्रिल के लिए कट करते हैं चौड़ाई, तो हमारी 2 इंच की फ्रिल तैयार हो जाएगी डबल में। तो इसी तरह से 2 पीस ले लेंगे हम। तो देखिए ये 2 पीस मैंने इस तरह के कट कर लिए हैं, और हम क्या करेंगे इसको पहले जॉइंट कर लेंगे दोनों पीसों को इस तरह से। यहाँ पे जॉइंट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस तरह से ये रखेंगे और फिर हम इसकी फ्रिल बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको फ्रिल बनानी है। अगर आप ज़्यादा फ्रिल लगाना चाहते हैं तो एक लेयर और ले सकते हैं। मैं इसमें इसी तरह से नॉर्मल फ्रिल लगा रही हूँ, ज़्यादा फ्रिल नहीं ला रही हूँ, तो मैंने इस तरह 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी हम जो नेक है और आर्म होल है उसके लिए कट करते हैं। तो देखिए ये जो टुकड़ा है इसको मैंने ले लिया है, और इसको क्रॉस में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे, जिससे कि हम जो ये आर्म होल है यहाँ पे और 2 इंच का पट्टी हमारा ऊपर आएगा उसके लिए। तो देखिए आप 2 इंच भी ले सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा चौड़ी पट्टी आ जाएगी। इसी तरह से कट कर लेंगे, और जो हमारा ये पीस है इसके लिए स्ट्रेट भी ले सकते हैं। तो देखिए इनको भी सिलने का तरीका बताते हैं, पट्टियों को इस तरह से रखें क्रॉस में और यहाँ पे स्टिचिंग डाल दें, और फिर आप इसको इस तरह सीधा कर देंगे तो इस तरह से स्ट्रेट पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी, और इसीलिए हम साइज़ के अनुसार इसको कट कर लेंगे। तो अभी देखिए आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम नीचे लाइनिंग रख लेंगे, एक इस तरह से लाइनिंग को रख लें, और उसके बाद जो हमारा ये ड्राफ्ट है इस तरह से रख लेंगे। ये रखने के बाद हम इसको पहले चारों तरफ से स्टिच कर लेते हैं लाइनिंग के साथ में, ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देंगे, और फिर जो हमारी आर्म होल से आएगी वो उसकी फिनिशिंग देंगे। जैसे मैंने बताया था लाइनिंग के साथ ये दोनों पीस मैंने अटैच कर लिए हैं,
देखिए दोनों पार्ट है, और ये जो क्रॉस में पट्टी कट की थी ये भी मैंने ज्वाइंट कर लिया। और अभी बताती हूँ कैसे इसको तैयार करें। तो पहले हम एक पार्ट लेते हैं इस तरह से, और जो हमारा ये पार्ट है सेंटर वाला, इसकी फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए इस बार इसको पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करें और नीचे से लगाएंगे और ऊपर की तरफ इसको हम पलट देंगे। मैंने फिनिशिंग दे दी है इसी तरह दोनों पीसों में दे दी है, और जो हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी वो इस तरह से ले ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पट्टी को सिंगल ही ले रहे हैं और इस तरह से लगाएंगे। ये पट्टी को खींचेंगे और इसको लूज छोड़ेंगे। अभी यहाँ से हमको मेजरमेंट लेना है, जो हमको शोल्डर पर ये पट्टी छोड़नी है। तो देखिए हम यहाँ पर 6 इंच ले लेते हैं अपना जो सिलाई है, और वहाँ से 6 इंच ले, इस 6 इंच को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अभी हम दूसरा पार्ट लेते हैं, तो दूसरे पार्ट में ये 6 इंच हम इसमें अटैच करेंगे। और अभी इस पार्ट को इस तरह से सीधा रख ले, क्योंकि ये सामने वाला पार्ट भी सीधा आ रहा है और ये भी सीधा आ रहा है। और यहाँ से हम इसको अभी स्टिच डालना शुरू करेंगे। तो देखिए ये दोनों सीधे सीधे पार्ट आ गए। अभी हम क्या फिनिशिंग देते हैं इसकी, तो इसको इसी तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच डालेंगे इसके ऊपर। तो देखिए ये दो, ये हमारी पट्टी हो गई जो कि ये शोल्डर पे जाएगी, और ये देखिए मुद्दे हो गए, यहाँ से हमारी फिटिंग जाएगी। और देखिए ये नेक हो गया, और इसी तरह से मैं इस साइड में भी फिनिशिंग दे देती हूँ। तो देखिए ये दोनों साइड मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, फिनिशिंग दे दी है। अभी हम इसको पलट के और इसकी फिटिंग दे देते हैं। तो देखिए हमने ये 2 इंच का मार्जिन लिया था और सेम इसी पर फिटिंग दे देते हैं। साइड फिटिंग दे दिए, तो देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। और अभी दूसरी साइड हम फिटिंग नहीं दे रहे हैं, जो कि हमने फ्रिल भी कट की है। अभी हम पहले फ्रिल लगा लेते हैं, फ्रिल लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। तो देखिए फ्रिल के लिए जो हमने कपड़ा कट किया था, तो देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया। और अभी आपको बताते हैं कैसे फ्रिल बना है इसको। यहाँ पर मार्जिन छोड़ दें जो कि प्लेन रहेगा हमारी फिटिंग के लिए, और इस तरह से फ्रिल डालते जाएंगे। देखिए ये फ्रिल मैंने पूरी तैयार कर ली है, और अभी हम इसको टॉप में अटैच करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा टॉप, और इस फ्रिल को इस तरह से उल्टा रख लेंगे। हम लाइनिंग के साथ में नहीं कर रहे, नहीं तो खिंचाव आ जाता है। तो लाइनिंग को सेपरेट रखेंगे और इस तरह से इसमें स्टिच डाल देंगे। तो देखिए ये जो स्टिच कर दिया है, अभी हम यहाँ पर एक सिलाई डालते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए इसकी फिनिशिंग भी हमने दे दी है अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से। और अभी हम साइड से फिटिंग भी दे देते हैं। फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए हमारी जो फ्रिल है ये किस तरीके से दिख रही है। और देखिए ये पट्टी है, ये शोल्डर पे आएंगी और ये आपका नेक रहेगा, और सेम बैक साइड भी इसी तरह से रहेगा। तो इस आसन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।